आज आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी फिर सुना देते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है, तुम कुछ भी कर लो, लोग तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि कैसे लोगों की सोच है। आप अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे, क्योंकि उनको ना कॉपीराइट्स होते हैं। लेकिन बोलने वाले आपकी परिस्थितियों को नहीं जानते, इसलिए कभी भी किसी की परवाह मत करो। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, बस आगे बढ़ना। एक बार एक हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे, उनके पास में एक गधा था। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गधे पे बिठाया, खुद पैदल चल पड़ा। लोगों ने बोला, कितनी बेशरम औरत है, खुद गधे पे बैठी है, हस्बैंड धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं। तो वो बोली कि देखो क्या बोल रहे हैं लोग। तो कहता, एक काम कर, तू नीचे उतर, मैं बैठ जाता हूँ। भाई रहना तो समाज में ना, ये सोसाइटी। अब वो क्या करता है, नीचे उतर जाता है, खुद घोड़े पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में जब गए आगे, तो लोगों ने बोला, बड़ा बेशरम आदमी है, मतलब वाइफ है, वो पैदल चल रही, ये घोड़े पे बैठा है। उसने कहा, श्रीमती जी, लोग तो फिर कह रहे हैं, अच्छा मैं उतर जाता हूँ, तू भी उतर गया। दोनों पैदल चलने लगे। उसके बाद लोग बोले, बड़े पागल आदमी है भाई, इनके पास घोड़ा है और फिर भी पैदल चल रही हैं। बोले, श्रीमती जी क्या किया जाए। बोला, ऐसा करते हैं, हम दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं, जो गधा था, सॉरी घोड़ा नहीं गधा, दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। जब थोड़ी सी दूरी पे गए तो देखा कि लोग कह रहे हैं, इन जैसे बेशरम आदमी नहीं, ऐसे लगता है इस गधे की जान ही निकाल देंगे। दोनों गधे पे बैठ गए। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा कि अब क्या किया जाए। बोला, कुछ नहीं, एक चीज समझ में आती है कि लोगों का काम है कहना। वो तो कहते रहेंगे, अगर वो नहीं कहते ना, तो उनको ऐसे लगता है जैसे आज हमने कुछ खाया ही नहीं, कुछ डाइजेशन हुआ ही नहीं। तो इसलिए नेवर केयर अबाउट द पीपल, मूव अहेड, आगे बढ़ते रहो, है ना। कल फिर मिलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। थैंक यू।